हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने आपको बताया था कि ग्रामर पोर्शन के साथ हम वोकैबुलरी पोर्शन को साथ साथ पैरेलल लेकर चलेंगे। सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा फर्स्ट सेशन। सो चलिए शुरू करते हैं। सो हम इन वर्ड्स को पिक्चर की फॉर्म से पढ़ेंगे, जिससे कि आपके माइंड में एक उस वर्ड को लेकर इमेज बन जाएगी, तो आपको याद रखने में आसानी मिलेगी। सो हमारा फर्स्ट वर्ड है, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ अबैश। सो हम पिक्चर से देखते हैं, तो ये रही हमारी पिक्चर। सो इस पिक्चर में अमिताभ बच्चन जी दिख रहे हैं, अभिषेक बच्चन जी दिख रहे हैं। तो मुझे इस पिक्चर से समझ में आ रहा है कि जैसे कि अमिताभ बच्चन जी बहुत फेमस है, अपनी सुपर स्टार ही रहे हैं मूवीज़ के, और अभिषेक बच्चन जी इतने फेमस नहीं हो पाए हैं। तो वो टेबल पे बता रहे हैं कि मैं मतलब मूवीज़ में मैंने इतना नाम कमाया है, पर तुम कुछ नहीं कर पाए। सो अबैश का मतलब है हमारा टू एम्बेरस या टू मेक अशेम्ड, यानी कि शर्मिंदा करना किसी को। हिंदी में कहेंगे तो शर्मिंदा करना। शर्मिंदा करना। सो ये था हमारा अबैश का मतलब। फर्स्ट वर्ड है हमारा ह्यूमिलिएटेड। सो ह्यूमिलिएटेड का मतलब क्या आता है हमारा? टू मेक समवन एम्बैरेस्ड। अनडॉन्टेड, सेकेंड वर्ड है हमारा अनडॉन्टेड, इसका मतलब है हमारा नीडर या फिर फियरलेस। थर्ड वर्ड है हमारा बैटर, इसका मतलब होता है अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड, एनिमल्स किल्ड फॉर फूड, यानी कि वो जगह जहाँ पर जानवरों को मारा जाता है, काटा जाता है, वो जगह को अबैटर कहते हैं। नेक्स्ट एब्स्ट्रूज, एब्स्ट्रूज का मतलब होता है कोई भी चीज़ मतलब मुश्किल समझने में, तो बोलेंगे हार्ड टू अंडरस्टैंड या डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। सो फर्स्ट वर्ड है हमारा अबैश, तो अबैश का सिनोनिम हो जाएगा हमारा ह्यूमिलिएटेड, क्योंकि उसका मतलब भी सेम वही बैटर है, किसी को शर्मिंदा करना या फिर किसी को नीचा दिखाना, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ अबेट। अबेट का यानी कि हम पिक्चर देख लेते हैं पहले हमारी। सो इस पिक्चर में आपको एक लेडी दिख रही है और आपको एक बच्चा दिख रहा है। सो वो लेडी बच्चे को बारिश से बचा रही है, बारिश हो रही है। सो ये क्या कह रही है, वेट फॉर द रेन टू अबेट, यानी कि बोल रही है कि रेन मतलब बारिश के ख़त्म होने का इंतज़ार करो। सो यानी कि अबेट का मतलब हमारा है टू लेसन या टू रिड्यूस, ये होता है हमारे अबेट का मतलब, यानी कि कम करना किसी चीज़ में। फर्स्ट वर्ड है हमारा एबट, एबट का मीनिंग होता है हमारा अ मैन हु इज द हेड ऑफ अ मोनेस्ट्री। सो अबेट का मतलब होता है कोई आदमी जो मोनेस्ट्री का हेड हो, और मोनेस्ट्री क्या होती है हमारी अ प्लेस वेयर मॉन्क्स लिव टुगेदर, यानी कि जहाँ पर भिक्षु साथ में मिलजुल कर रहते हैं वो जगह होती है मोनेस्ट्री। ये बहुत बार हमारा प्रीवियस ईयर में आ चुका है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हमारे OWS में, तो मोनेस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट वन। नेक्स्ट है हमारा एब्ल्यूशन, एब्ल्यूशन होता है हमारा रिचुअल, रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी, सो हमारा होता है एब्ल्यूशन। नेक्स्ट है हमारा लेसन, लेसन होता है हमारा वही कम करना या रिड्यूस करना,
टू रिड्यूस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंक्रीज। इंक्रीज आप सबको पता ही है क्या होता है, बढ़ना किसी चीज का। सो हमारा इसका सिनोनिम हो जाएगा अबेट का, लेसन। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एब्डिकेट। एब्डिकेट का सिनोनिम देखना है। पहले हम यहाँ पर पिक्चर देख लेते हैं इसकी। देखिए यहाँ पे ये पर्सन जो है ये अपनी चेयर से, थ्रोन से उठकर जा रहा है, ये इसका क्राउन रखा हुआ है। तो एब्डिकेट का मतलब क्या होता है कि कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर उससे गिव अप कर देना, कोई भी जिम्मेदारी या पोजिशन से गिव अप कर देना। सो हमारा एब्डिकेट का मतलब क्या हो जाएगा, टू गिव अप फ्रॉम अ रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेशली पावर और अ पोजिशन। यानी किसी पावर से या पोजीशन से हम क्या कर दें, गिव अप कर दें, छोड़ दें उसको। तो होता है हमारे एब्डिकेट का मतलब छोड़ देना। हिंदी में हम इस अगर समझें तो छोड़ देना इसका मतलब है, किसी चीज़ को त्याग देना, किसी पद को त्याग देना। तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन है, इसको देख लेते हैं, फियास्को। फियास्को होता है हमारा टोटल फेलियर, पूर्ण हार, टोटल फेलियर। फ्लोरा एंड फोना आप लोगों ने पढ़ते आ रहे होंगे। फ्लोरा होता है प्लांट्स ऑफ एन पर्टिकुलर एरिया और फोना होता है हमारा एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, एनिमल्स एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, और फ्लोरा होता है हमारा प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेलिंग्विश। रेलिंग्विश का मतलब भी हमारा क्या होता है, छोड़ देना, त्याग देना, टू गिव अप, टू गिव अप। तो हमारा सिनोनिम हो जाएगा एब्डिकेट का रेलिंग्विश। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एबिरेशन। सो एबिरेशन की पिक्चर देखते हैं। तो एबिरेशन मतलब, इस पिक्चर से आपको लग रहा हो कि ये क्या हो रहा है, मतलब ये थोड़ा इंसान थोड़ा पागल सा लग रहा है मेरे हिसाब से, तो ठीक है, एबनॉर्मल हरकत कर रहा है या नॉर्मल नहीं है। तो एबिरेशन का मतलब होता है नॉट नॉर्मल या फिर एबनॉर्मल कह देंगे, और फ्रॉम स्टैंडर्ड। तो ये इसका मतलब हो जाएगा। फर्स्ट पढ़ेंगे हम, हमारा वर्ड फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एपिस्टल। एपिस्टल होता है एक लेटर, अ लेटर। नेक्स्ट है हमारा पेक्युलर। पेक्युलर का मतलब भी यही होता है हमारा एबनॉर्मल, एबनॉर्मल हो गया या कुछ चीज स्ट्रेंज हो गई। नेक्स्ट वन इज हमारा यूफेमिज्म। यूफेमिज्म का मतलब होता है बॉम्बास्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग। नेक्स्ट है हमारा साइनोशोर। साइनोशोर होता है हमारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो ये थे हमारे सारे वर्ड्स। हमारा सिनोनिम हो जाएगा एबिरेशन का पेक्युलर। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ एबोर। एबोर तो इस पिक्चर से आपको लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि किसी चीज़ से दूर जा रही है या फिर हेट कर रही है किसी चीज से। तो हमारे एबोर का मतलब भी यही होता है, टू हेट, घृणा करना, नफरत करना किसी चीज से,
सो फर्स्ट वर्ड है हमारा एंटागोनिस्ट, तो एंटागोनिस्ट अ पर्सन हु इज स्ट्रॉन्गली अगेंस्ट ऑफ समथिंग और समबडी. तो ये था हमारा एंटागोनिस्ट का मतलब, कोई मतलब कोई पर्सन जो किसी चीज क्या किसी इंसान के विरुद्ध हो तो उसको बोलते हैं एंटागोनिस्ट. नेक्स्ट है हमारा लव, ये तो सब आपको पता ही होगा, सबको लव होता है हमारा प्यार. फिर होता है एनार्की, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, यानी किसी कंट्री में गवर्नमेंट की एब्सेंस होना, सरकार का ना होना, उसको बोलते हैं एनार्की. नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है हमारा. डिटेस्ट का मतलब होता है टू हेट, यानी वही नफरत करना, घृणा करना. सो यहाँ पे हमसे पूछा गया है व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ एबोर. अगर सिनोनिम पूछते तो हम डिटेस्ट पे लगाते, लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा गया एंटोनियम. एंटोनियम यानी कि अपोजिट मीनिंग, तो अपोजिट इसका लग जाएगा लव. नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर. सो व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ एब्जेक्ट, आइए पिक्चर देखते हैं. तो पिक्चर से क्या लग रहा है, ये लेडी बैठी हुई है बहुत ज़्यादा ही निराशाजनक स्थिति में बैठी हुई है, यानी कोई होप नहीं दिख रही है. तो हमारा एब्जेक्ट का मीनिंग होता है टेरिबल एंड विदाउट होप, विदाउट होप, विदाउट एनी प्राइड, या फिर यानी कि बहुत ज़्यादा अत्यधिक दयनीय और निराशाजनक स्थिति में होना. तो वर्ड्स पढ़ते हैं हम, फर्स्ट पढ़ते हैं हमारा डिप्रेव्ड, यानी कि मॉरली बैड और एविल, यानी कि कोई चीज़ गलत होना, मॉरली बैड और एविल. नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंटेम्प्रेरी, ये कंटेम्प्रेरी होता है द सेम टाइम, सेम समय पर, सेम टाइम. नेक्स्ट है हमारा न्यूमिसमैटिक्स, न्यूमिसमैटिक्स होता है हमारा स्टडी ऑफ कॉइन्स, स्टडी ऑफ कॉइन्स को बोलते हैं न्यूमिसमैटिक्स. और लास्ट वन इज हमारा होपलेस, यानी कि बिना किसी उम्मीद के, वही निराशाजनक, तो ये हमारा सिनोनिम है और इसका आंसर हो जाएगा हमारा होपलेस. नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर. व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एबनिगेट, एबनिगेट का मतलब, आइए पिक्चर देखते हैं. एबनिगेट, तो ये बच्ची जो है इस बर्गर को दूर कर रही है. द बर्गर रिपल्स द यंग गर्ल, सो शी वेहमेंटली एबनिगेटेड इट, यानी कि एबनिगेट का मतलब है कोई चीज़ हमारे लिए अच्छी ना हो, यानी बुरी हो, तो उसको हम मतलब अपने से छोड़ देते हैं उस चीज़ को. फॉर एग्जाम्पल, कोई से पता ही आप सबको कि फास्ट फूड हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो कोई बोले कि मैं उसको छोड़ दूं, तो यानी इसका मतलब भी छोड़ देना होता है, त्याग देना, छोड़ देना, रिनाउंस और रिजेक्ट. बट एक वर्ड और हमने पढ़ा था एबडिकेट, एबडिकेट करना मतलब यानी कि छोड़ देना, यानी कि किसी गिव अप कर देना, किसी थ्रोन से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से. तो इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस है, वो होता है किसी पद को त्याग देना या फिर किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी या पोजिशन या पद को त्याग देना. लेकिन ये वर्ड है हमारा एबडिकेट, ये होता है हमारा किसी अपनी खुद की इच्छा से किसी चीज़ को छोड़ देना, जो चीज़ हमारे लिए बुरी हो उसको छोड़ देना. सो ये उसमें डिफरेंस है. फर्स्ट पढ़ते हैं हम वर्ड सिस्टा, सिस्टा होता है हमारा पीरियड ऑफ रेस्ट और रिलीफ आफ्टर लंच, यानी कि आप लोग सब लंच लेने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करते होंगे, तो वही जो पीरियड होता है ना उस रेस्ट का, उसको सिस्टा बोलते हैं. नेक्स्ट है हमारा स्केप्टिक, स्केप्टिक होता है वन हु इज डाउटफुल,
यानी जिस पर संदेह हो, थोड़ा सा भी डाउट हो। रिनाउंस होता है हमारा, वही रिनाउंस का मतलब होता है हमारा छोड़ देना, त्याग देना कोई चीज़, रिजेक्ट कर देना। लास्ट है हमारा रेटिसेंट, ये होता है कोई पर्सन हु डजंट स्पीक टू मच, यानी कि कोई भी मतलब व्यक्ति पर्सन जो कम बोलने वाला हो उसको बोलते हैं रेटिसेंट। सो हमारा सिनोनिम हो जाएगा एबनिकेट का रिनाउंस। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ एब्जोर? तो एब्जोर यानी कि एब्जोर भी हमारा कुछ चीज़ को छोड़ देना होता है, लेकिन ये सर शपथ छोड़ता है, यानी कि कसम खाकर कोई चीज़ छोड़ रहे हैं हम, यानी कि कसम खाकर। ये ध्यान रखना, टू गिव अप समथिंग फॉर्मली और पब्लिकली। सो इसका मतलब होता है एब्जोर का कोई चीज कसम खाकर फॉर्मली और पब्लिकली छोड़ देना, ये उसका मतलब होता है। इलीगल होता है हमारा अवैध, यानी कि कॉन्ट्रेरी टू लॉ। नेक्स्ट है हमारा इम्यून, फ्री फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। इम्यून होना यानी कि हम किसी प्रकार हर प्रकार के इन्फेक्शन से दूर है, फ्री फ्रॉम एन इन्फेक्शन। नेक्स्ट है हमारा रेकेंट, रेकेंट का मतलब होता है रिनाउंस, छोड़ देना, त्याग देना। और लास्ट वर्ड है हमारा रिलेक्टेंट, अनविलिंग, अनविलिंग टू डू समथिंग, यानी कि किसी चीज़ को करने में मतलब अनविलिंग है, मतलब चाहते नहीं कुछ करना। सो इसका सिनोनिम एब्जोर का हो जाएगा हमारा रेकेंट, यानी कि रिनाउंस, यानी छोड़ देना कोई चीज़। ये वर्ड्स आपस में थोड़े कंफ्यूजिंग भी हैं, लेकिन इसका मीनिंग पर्टिकुलर अगर आप समझ जाएंगे तो आपको याद भी रहेंगे। जैसे कि एब्जोर हमारा कसम खाकर छोड़ना था, और एबनिकेट हमारा छोड़ना था अपने फायदे के लिए कोई चीज़ छोड़ना था, और एबडिकेट हमारा था किसी पद से, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से त्याग देना। ठीक है, आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ एबोर्टिव? तो आइए इसकी पिक्चर देख लेते हैं। सो आप पिक्चर में देख सकते हैं कि मतलब जो भी कोई ये पर्सन है, ये वेट लिफ्ट कर रहा था और ये इससे वेट लिफ्ट नहीं हुआ, ये झिल नहीं पाया इनसे वेट, तो ये गिर चुका और वेट अभी भी हवा में है। सो यानी कि फेल हो गया, यानी कि जो भी ट्रायल इन्होंने मतलब वेट लिफ्ट किया था वो अनसक्सेसफुल रहा, यानी फेल रहा। सो हमारा अबॉर्टिव का मतलब होता है अनसक्सेसफुल, फेल, यानी कि निष्फल। आइए ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट वन इज हमारा फ्रूटफुल, फ्रूटफुल होता है यानी कि सक्सेसफुल, यानी कोई भी चीज़ यूजफुल है, जैसे हमारी ये वीडियोस यूजफुल है वैसे ही का मतलब भी यूजफुल है। एब्स्ट्रूस का मतलब होता है हार्ड टू अंडरस्टैंड और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कोई भी चीज़, हार्ड टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है हमारा यूजलेस, यानी कि बेकार, यूजलेस। और रिमोर्स का मतलब होता है हमारा फीलिंग ऑफ सैडनेस, यानी कि अगर हमने कोई गलत काम कर दिया तो उसके बाद की जो फीलिंग है ना वो होती है फीलिंग ऑफ सैडनेस, यानी कि पश्चाताप का की भावना। तो इसमें पूछा है एंटोनिम, पूछा है अबॉर्टिव का, और अबॉर्टिव का एंटोनिम हमारा लग जाएगा फ्रूटफुल। नेक्स्ट चलते हैं हमारे लास्ट वर्ड पे। सो व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ अबाउंट? अबाउंट की देखते हैं पिक्चर क्या लगी हुई है। सो ये हमारे रखे हुए हैं
खजूर रखे हुए और बहुत ज्यादा मात्रा में रखे हुए हैं। तो हमारा अबाउंड का मतलब होता है कोई भी चीज जो प्रचुर मात्रा में हो, ज्यादा नंबर्स में एग्जिस्ट करती हो। सो टू एग्जिस्ट इन अ लार्ज नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सुजोन, ये होता है हमारा स्टे फॉर अ शॉर्ट टाइम। नेक्स्ट है हमारा स्कैंटी और मीगर, तो ये इन दोनों का ही मतलब होता है हमारा लेस इन क्वांटिटी, यानी कि कोई भी चीज मात्रा में कम होना। नेक्स्ट है हमारा एक्सेस, एक्सेस मतलब वही हमारा कोई भी चीज ज्यादा मात्रा में होना इन लार्ज क्वांटिटी, या बल्क कह देंगे कोई भी चीज़। तो ये था हमारा लास्ट वर्ड, और इसका सिनोनिम हमारा लग जाएगा अबाउंड टू एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर एक्सेस। तो ये था इसका आंसर। सो आज का सेशन हमारा यहीं पर एंड होता है। आई होप आपको हमारा सेशन पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।